हेलो गाइस, वेलकम टू सर्वेइंग एंड ड्राफ्टिंग। आज का ये जो वीडियो है, इसके लिए कल मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया है, एक सब्सक्राइबर है, कि फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप उसके बारे में स्टार्ट से बताएं। ये मैंने इसके बारे में ट्रेवर्स के वीडियो में भी बताया था, लेकिन उनके लिए ये मैं फिर आज दोबारा से बता रहा हूँ कि ये एक लाइन है हमारे पास ए से बी, तो इस लाइन की हमने फोर बेरिंग और बैक बेरिंग या बैक बेरिंग से फोर बेरिंग जो है वो कैलकुलेट करनी है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये है कि जब हम अपने इस पॉइंट ए पे खड़े होके, हमारा इंस्ट्रूमेंट इस पॉइंट ए पे था, हमने अपने नॉर्थ से ये बेरिंग कैलकुलेट कर ली पॉइंट ए पे खड़े होके पॉइंट बी को साइट करके, ये बेरिंग हमारे पास आ गई। अब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को यहां से यहां ले आए हैं। अब हमने जो एंगल हमें चाहिए इस लाइन का, यहां से अगर ए की तरफ देखते हैं तो वो ये एंगल बनेगा नॉर्थ डायरेक्शन से लेके हमारी लाइन तक। तो इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारे पास फोर बेरिंग ऑलरेडी है, उससे हम बैक बेरिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन का जो ये एंगल है नॉर्थ से लेके यहां तक, ये ऑलरेडी हमने यहां पे पढ़ लिया है 100 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन का हमको पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन के एंगल पढ़े हम तो वो 180 डिग्री आता है। जैसे ये देखें, ये नॉर्थ से साउथ एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। इसी तरह ये 90 है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, और 270 180 का इसमें डिफरेंस होता है। तो अब ये एंगल ऑलरेडी हमारे पास है, इसका हमको पता है 180। तो जब हमने इस लाइन की बैक बेरिंग कैलकुलेट करनी है तो सिंपली ये जो एंगल है जो इधर हमने 100 डिग्री पढ़ा है उसमें हम 180 डिग्री प्लस कर देंगे, तो ये हमारा जो टोटल एंगल है ये 280 डिग्री आ जाएगा। ये तो था कि अगर आपने एक पॉइंट से बेरिंग पढ़ी है जो 180 डिग्री से आपकी फोर बेरिंग कम थी, तो आप उसने 180 डिग्री प्लस करके अपनी बैक बेरिंग कैलकुलेट कर ली है। अगर हमने शुरू जो किया है वो इस पॉइंट से किया है, जिस पॉइंट पे अभी पॉइंट बी से हमने स्टार्ट किया है और ये एंगल हमने पढ़ लिया है, ये अब हमारे पास 280 डिग्री आ गया है। अब हम बी से ए की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। जब हम पॉइंट ए पे आ गए हैं, अब हमको सिर्फ ये एंगल चाहिए, ये जो 100 डिग्री शो रहा ये हमने कैलकुलेट करना है। ये जो एंगल है इस लाइन ए का, जैसे अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन देखते हैं, कि ये एंगल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये जो 280 यहां पे हमने पढ़ा है 280। अब हमको सिर्फ ये चाहिए, ये जो ब्लू में नजर आ रहा है, तो हमको पता है कि यहां से लेके ये जो है ये 180 है, तो और यहां से लेके यहां तक हम 280 पढ़ चुके हैं। तो हम इस टोटल में से, ये जो हमारा टोटल है यहां से लेके यहां तक, इसे ये 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल बच जाएगा जो हमारा यहां पे 100 डिग्री शो रहा है। तो ये था कि बैक बेरिंग को फोर बेरिंग और फोर बेरिंग को बैक बेरिंग बनाने के लिए हम 180 डिग्री क्यों प्लस या माइनस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अगर हमारे पास इस तरह से बेरिंग लिखी हुई है कि बेरिंग की वैल्यू दी हुई है और साथ में डायरेक्शन लिखी हुई है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये बेरिंग किस क्वाड्रेंट में आ रही हैं, या अगर हमने बेरिंग पढ़ी है और हमने उनके साथ डायरेक्शन लिखनी है तो किस तरह लिखेंगे। तो ये देखिए, इसके लिए ये हमारी जो अर्थ के चारों डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे यहाँ पे ये 45 डिग्री एन ई लिखा हुआ है, मतलब नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी लाइन है। इस लाइन पे ये 45 डिग्री का एंगल हमने पढ़ा है, क्योंकि हमारा रेफरेंस जो था वो नॉर्थ पोल था, तो हम नॉर्थ पोल से चले हैं और 45 डिग्री ईस्ट पोल की तरफ आए हैं। तो जब हम ये 45 डिग्री बेरिंग लिखेंगे तो हम इसके साथ डायरेक्शन लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हमने नॉर्थ से शुरू किया है और ईस्ट की तरफ चलते गए हैं। या इसी तरह अगर हमारे पास ये वैल्यू दी होगी 45 नॉर्थ ईस्ट और हमें पूछा जाएगा कि ई किस क्वाड्रेंट में आ रही है, तो ये हमको पता है कि क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। दूसरा है 20 डिग्री साउथ ईस्ट, ये देखें, ये हमारा साउथ पोल है, ये आपका ईस्ट है,
ये लाइन की बीयरिंग हमने पढ़ी है। अब हमारा रेफरेंस जो था वो साउथ पोल था, तो हम साउथ से चले हैं वापस ईस्ट की तरफ 20 डिग्री, तो इसकी हमारी जो डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट, ये है 20 डिग्री साउथ ईस्ट। या अगर इस फिगर में आपको लिखा हुआ मिले और आपने चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, अगर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिंपली आपको देख के पता चल जाएगा कि ये साउथ ईस्ट सेकंड क्वाड्रेंट है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से इक्वेटर ड्रा कर लीजिए, इक्वेटर पे अपनी चारों डायरेक्शन लिख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी बीयरिंग किस क्वाड्रेंट में आ रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो हमने 60 डिग्री पढ़ा है इसके साथ साउथ वेस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम ये 60 डिग्री के एंगल पढ़ रहे थे तो हमारा रेफरेंस साउथ पोल था। साउथ से हम चले हैं और वेस्ट की तरफ गए हैं, तो ये जब हम 60 डिग्री लिखेंगे तो इसके साथ साउथ वेस्ट लिखेंगे, या अगर हमारे पास ये लिखा हुआ होगा कि 60 डिग्री साउथ वेस्ट तो हमें पता होना चाहिए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम साउथ का रेफरेंस लेके वेस्ट की तरफ जाते हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ गए हैं, ये हमने एक एंगल पढ़ा है 30 डिग्री, हमको नहीं पता था कि इसके साथ क्या डायरेक्शन लिखनी है, सिंपली क्योंकि जब आपने ये एंगल पढ़ा है आपका रेफरेंस ये नॉर्थ पोल था, तो हम नॉर्थ से चले हैं और 30 डिग्री वेस्ट की तरफ आए हैं, तो हम जब ये बीयरिंग लिखेंगे तो इसके साथ लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। या अगर आपके पास लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट, आप चेक करना चाहते हैं किस क्वाड्रेंट में, आप सिंपली अपने क्वाड्रेंट को ड्रा कर लें, जैसे ही आप ड्रा करेंगे आप पता चल जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट मीन नॉर्थ टू वेस्ट, मतलब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक और चीज जो उन्होंने पीछे पूछी थी वो ये थी कि चारों क्वाड्रेंट्स में ईस्ट और नॉर्थ कहीं पे प्लस होता है कहीं पे माइनस होता है, इसकी क्या रीजन है। तो उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा नॉर्थ और ईस्ट दोनों प्लस होते हैं, क्योंकि जैसे ये अगर हमारे पास फर्ज कीजिए एक पॉइंट है, ये हमारा इक्वेटर का सेंटर है 0 0 0 0 से हम नॉर्थ की तरफ चले हैं और इस पॉइंट पे आ गए हैं, तो अब हम 0 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये प्लस में रहेगा। इसी तरह जब हम ईस्ट की तरफ चले हैं, हमने 0 से स्टार्ट किया और राइट साइड पे चलते गए हैं यहां तक आए हैं, तो इसमें क्योंकि हमने 0 से राइट पे गए हैं तो हमारा ईस्ट भी प्लस में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप आ गए हैं, अब आपने जब नॉर्थ को काउंट करना शुरू किया है इस पॉइंट के लिए, आप 0 से नीचे की तरफ चलते आए हैं, चलते हुए हम यहां पे आ गए हैं। जैसे ही आप 0 से नीचे जाएंगे तो आपकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, इसलिए आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नॉर्थ माइनस में होता है। ईस्ट के लिए अभी भी हम क्योंकि इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जो कि 0 के राइट साइड पे है, तो 0 से जब आप राइट साइड पे चलेंगे तो आपका ईस्ट जो वैल्यू जो है वो प्लस में रहेगा। आपके थर्ड क्वाड्रेंट में नॉर्थ भी माइनस है और ईस्ट भी माइनस है, क्योंकि ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट के लिए हम नॉर्थ से 0 से नीचे की तरफ चलते गए हैं, तो जब 0 से नीचे जाएंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में नॉर्थ जो है वो माइनस में होता है। ईस्ट के लिए ये 0 0 था, हम इस साइड पे चले हैं क्योंकि यहां पे पॉइंट है, हमने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये जो यहां डॉटेड लाइन में नजर आ रहा है, अब हम 0 के लेफ्ट साइड पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब आप 0 के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव में आएगी, इसीलिए आपके थर्ड क्वाड्रेंट में ईस्ट के लिए भी आप नॉर्थ के लिए आप 0 से नीचे की तरफ जाते हैं और ईस्ट के लिए 0 के लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करते हैं, आपकी वैल्यू जो है वो माइनस में आती है दोनों। फोर्थ क्वाड्रेंट में आके आपका नॉर्थ प्लस में है और ईस्ट माइनस में है, क्योंकि यहां से ये पॉइंट है हमारा, तो हम यहां से नॉर्थ के लिए 0 से अपवर्ड जा रहे हैं, 0 से ऊपर की तरफ प्लस में जा रहे हैं, इसलिए आपका नॉर्थ जो है वो प्लस होगा, जैसे हम यहां से चले हैं 1 2 3 4 5 जो भी आपकी रीडिंग्स है। ईस्ट के लिए क्योंकि ये पॉइंट है तो हमने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये जो डॉटेड लाइन में नजर आ रहा है, अभी भी हम 0 के लेफ्ट साइड पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब भी आप 0 के लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करेंगे आपका ईस्ट जो है वो माइनस में आएगा। तो ये थी तीन चीजें जो भाई ने पूछी थी, उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सी गुड बाय, सी यू, टेक केयर।